और वह व्यक्ति उस बात को पढ़कर समझ सकता है। तीसरा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है क्योंकि ज्यादातर कार्य हिंदी में ही किए जाते हैं। आओ ये बच्चों, अब हमने आज जो पाठ पढ़ा है उसी से संबंधित एक छोटा सा अभ्यास कार्य करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि यह मौखिक भाषा है या लिखित भाषा है। कोशिश तो करिएगा कि आप सही जवाब दीजिए। नेहा किताब पढ़ रही है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वह किताब पढ़ रही है, तो यह कौन सा रूप हुआ? बिल्कुल सही, यह हुआ मौखिक भाषा का रूप। इसी प्रकार राम दादाजी को पत्र लिख रहा है। यहाँ राम एक पत्र लिख रहा है। लिख रहा है मतलब कि लिखित भाषा। नानी जी बच्चों को कहानी सुना रही हैं। यहाँ नानी जी बच्चों को एक कहानी सुना रही हैं, यानी कि बच्चे सुनकर उस कहानी को समझ रहे हैं। तो यह भी हमारा हुआ मौखिक भाषा का ही एक रूप। आदित्य अपना गृह कार्य कर रहा है। यहाँ आदित्य अपने स्कूल का जो होमवर्क है वह कर रहा है, यानी कि वह लिखित भाषा का ही रूप है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा।